मैं वाणी रावल हूँ और मैं दुनिया की सबसे छोटी सीरीज राइटर हूँ। मैंने कैथी 23 डेज ऑफ क्रिसमस लिखी है, जो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है कैथी, और एक छोटे से जादूगर के बारे में है एल्फ, जिसका नाम है क्वेस्टा। मैं बहुत बोर होती थी तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि एक छोटी सी कहानी लिख देती हूँ एक लड़की पर जिसका नाम है कैथी और एक छोटे से जादूगर पर क्वेस्टा। फिर मैं उसके डेप्थ में चली गई और फिर मैंने एक बुक लिख दी 23 चैप्टर्स की। मुझे बहुत खुशी होती है अपनी फैमिली, और फर्स्ट टाइम जब मैंने बताया था तो मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी हुई थी, तो मुझे वो देखकर और भी खुशी होती है। मैं सिंगिंग करती हूँ, डांसिंग, चेस खेलती हूँ, गिटार प्ले करती हूँ, पियानो प्ले करती हूँ, और ऑफकोर्स राइट करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि एज हैज़ नो लिमिट, चाहे आप छोटे हो आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपके माइंड में गोल है वो आप अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। मेरा ड्रीम है कि मैं एक पब्लिश ऑथर बनूँ और ऐसी और बुक्स लिखते जाऊँ। वाणी शुरू से ना और बच्चों से बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि और बच्चे जहाँ टीवी देखते हैं शरारत करते हैं उसको ऐसा शुरू से ही शौक नहीं था, उसको अपना एक मिनट वेस्ट करना पसंद नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा हर चीज़ में, और बहुत मेहनत करती। ये 11 साल की है और 10 साल की थी तब 2 किताबें लिखी हैं। ये मुझे बहुत गर्व, मेरे को लगता है हम सबको गर्व होना चाहिए, हमारे बच्चे ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है, तो देश का नाम रोशन किया है, तो सबको गर्व होना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, देखो मेरी बेटी ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया, तो सबकी बेटियाँ ऐसी हैं। बेटियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत जगह देखा है कि थोड़ा सा बेटों को ऊपर रखते हैं बेटियों को नीचे रखते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि उनके साथ उतनी मेहनत करें तो वो शायद बेटों से भी बहुत आगे निकल सकते हैं।